अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर कंप्यूटर टीचर एंड माय नेम इज़ मिस मुनीजा अब्दुल गफ्फार। टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मोर अबाउट विंडोज़। चैप्टर नंबर 4 इज़ ऑन पेज नंबर 25। सो हियर इज़ द पेज नंबर 25। स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, स्टार्टिंग विंडोज़, wallpaper and screen saver, setting the time and date using windows accessories। basically इस chapter में आपको ज़्यादा operating system के बारे में बताया गया है कि without operating system आपका computer run नहीं कर सकता। अगर आपके computer में operating system install नहीं होगा तो आपके पास window show ही नहीं होगी monitor पे, और अगर आपके पास monitor पे window show नहीं होगी तो आप कोई भी work computer पे नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली बहुत टाइप्स के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स भी आपके पास गिवन है पेज नंबर 25 पर ही। एमएस विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ एक्सपी एंड विंडोज़ विस्टा। मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास जो है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो विंडोज़ एक्सपी है। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे आपके पास विंडो जो है वो लोड होने का टाइम लेगी, इट्स मीन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि हमें चैप्टर्स के स्टार्ट में बहुत सारे विंडोज़ के नाम गिवन हैं, सिमिलरली लाइक दैट हमारे पास इस वक्त मेरे पास कंप्यूटर में जो विंडो इंस्टॉल हुई हुई है वो विंडो 7 है, जिसका नाम यहाँ पर शो हो रहा है। ऑन करने के बाद आपके पास जो स्क्रीन शो होती है, इसे आप हम डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है। इस स्क्रीन पे सामने आपको ये छोटी छोटी पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड आइकन्स। ये तमाम आपके पास आइकन शो हो रहे हैं। इसी में हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर लिखा है। आइकन को ओपन करने के लिए दो तरीके हैं, या आप इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक को डबल प्रेस कर दें, या आप राइट क्लिक करें, आपके पास लिखा हुआ आएगा ओपन। ओपन पर आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे, आपके पास ये वाला आइकन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास लोकल डिस्क CD, जिसमें आप जो है अपने सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आप कंप्यूटर में CD या DVD एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रीसाइकल बिन। रीसाइकल बिन में क्या चीज़ें आती हैं, आप अपने डेस्कटॉप से या कंप्यूटर से कोई भी फ़ाइल डिलीट करेंगे तो आपके पास रीसाइकल बिन में आ जाएगी। यहाँ पे आने के बाद आप अपनी फ़ाइल को जो है वो रीस्टोर भी कर सकते हैं, यानी कि दोबारा अपनी जगह पे भेज सकते हैं, या अगर आप यहाँ से डिलीट करेंगे तो फ़ाइल परमानेंट डिलीट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्यूमेंट। आप अपने कंप्यूटर में जहाँ भी फ़ाइल सेव करेंगे, डॉक्यूमेंट में अगर आप कोई फ़ाइल सेव करते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास सेव फाइल ओपन हो जाएगी। ये तमाम फाइल्स वो हैं जो माय डॉक्यूमेंट में सेव की गई हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से कॉपी करके डेस्कटॉप पे भी फाइल को ला सकते हैं, या चाहें तो आप यहाँ से कट करके भी डेस्कटॉप पे या कहीं और किसी और फोल्डर में फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो है वो कैलकुलेटर। आप कंप्यूटर में कैसे ओपन कर सकते हैं, आप स्टार्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स, आपने यहाँ पे क्लिक किया और टाइप किया कैलकुलेटर, आपके पास ऊपर कैलकुलेटर आ जाएगा, ठीक है। आप इस पर क्लिक करें, आपके पास एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है, जो कैलकुलेटर की होगी। आप नंबर्स पे क्लिक करके यहाँ पे नंबर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस की साइन मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें 3+ कर रही हूँ, मैंने = 2 का साइन प्रेस किया, मेरे पास आंसर आ गया। इस तरीके से आप कैलकुलेटर के डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डेट एंड टाइम चेंज करना। डेट एंड टाइम चेंज करने के लिए आप सबसे पहले नीचे टास्क बार में साइड पे देखेंगे, यहाँ पे आपके पास टाइम और डेट शो हो रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, देन आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा है चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स। देन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है चेंज डेट एंड टाइम, आप इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। आपके पास छोटी सी ये विंडो ओपन हो गई, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके पास कैलेंडर मौजूद है, इट्स मीन यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी 2 सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पर टाइम है, टाइम आपके पास फ़िलहाल 9:50 शो हो रहा है, मैं यहाँ से 10:50 कर देती हूँ, ठीक है। देन जैसे ही मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक करूँगी, डेट और टाइम चेंज हो चुका होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं
मैंने 2 दिसंबर जो है वो डेट सेलेक्ट की थी, यहाँ पे 2 दिसंबर हो गई टाइम, और टाइम यहाँ पे 10:50 हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू चेंज द वॉलपेपर ऑफ योर स्क्रीन। वॉलपेपर चेंज करने के लिए आप सबसे पहले माउस में देखें, आपके पास 2 बटन हैं, लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक। सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे, लास्ट में आपके पास है पर्सनलाइज, आप पर्सनलाइज पे क्लिक करें, आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मेंशन है डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड शो हो गए हैं। आप इसमें से अपनी पसंद से कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, दिस वन, इस पर मैंने क्लिक किया, और लास्ट में मेरे पास यहाँ पे है सेव चेंजेस, इस पर मैं क्लिक कर दूँगी, मेरा डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज हो चुका होगा। चेक करने के लिए मैं ये वाली विंडो क्लोज़ कर रही हूँ, और आप ये देख सकते हैं कि बैकग्राउंड पहले कुछ और था और अब जो मैंने सेलेक्ट किया है वो चेंज हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रीन सेवर, स्क्रीन सेवर के लिए भी आप सेम करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में स्क्रीन सेवर, स्क्रीन सेवर पे आपने क्लिक किया, आपके पास एक और विंडो ओपन हो गई, यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन सेवर है, बबल्स, तो यहाँ पे आपके पास बबल्स शो हो रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट और भी बहुत सारे, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ रिबन्स, ठीक है, और मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, 1 मिनट के बाद मेरी स्क्रीन पे जो है वो स्क्रीन सेवर लग जाए, जो कि आपके काम को हाइड करने में हेल्प आउट करता है। मैंने अप्लाई किया, अब मैं 1 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन को बिल्कुल छोड़ दूँगी ताकि मेरे पास स्क्रीन सेवर शो हो जाए। 1 मिनट का टाइम हो चुका था और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे रिबन्स शो हो गए, यानी कि जो स्क्रीन सेवर मैंने सेलेक्ट किया था 1 मिनट के टाइम पीरियड के बाद वो कंप्यूटर पे शो हो गए हैं। अब जैसे ही मैं कर्सर को मूव करूँगी तो रिबन्स जो है यानी कि स्क्रीन सेवर है वो हट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमने जो इस चैप्टर में देख सीखनी है वो है हाउ टू ओपन द नोटपैड। इसके लिए आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, सर्च पे आप लिखेंगे नोटपैड, कीबोर्ड की हेल्प से ऊपर आपके पास नोटपैड आ जाएगा, ठीक है। इस पर आपने लेफ्ट क्लिक किया, आपके पास नोटपैड की स्क्रीन ओपन हो गई, ठीक है। नोटपैड की स्क्रीन पर आप यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मेट पे अगर हम जाएंगे, ठीक है, फॉर्मेट पे आपने क्लिक किया, आपके पास फ़ॉन्ट आएगा, आपने फ़ॉन्ट पे क्लिक किया, ठीक है, आपके पास न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे फ़ॉन्ट यानी कि फ़ॉन्ट स्टाइल आपको कैसा चाहिए, आप इसमें से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी स्टाइल आप सेलेक्ट करेंगे उसका डेमो यानी कि सैम्पल आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब आपको आपका टेक्स्ट स्टाइल कैसा चाहिए, इटैलिक चाहिए, बोल्ड चाहिए, रेगुलर, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद साइज़ भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे साइजेस गिवन हैं, ठीक है, थीके? जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 20 लिया है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस मौजूद हैं, आप चाहें तो वो ले सकते हैं, ठीक है। एंड देन आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितनी भी चीज़ें आपने सेव की थी यानी कि सेलेक्ट की थी वो आपके पास शो हो जाएंगी, ठीक है। अब आप जो टाइप करेंगे वो उस हिसाब से आएगा जो आपने सेलेक्शन की हुई है, फ़ॉन्ट की, राइटिंग स्टाइल की, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फाइल में कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास, न्यू, ओपन यानी कि आप अपनी सेव्ड फाइल ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आपको न्यू फाइल चाहिए, आप न्यू पे क्लिक कर दें, और अगर आपको फ़ाइल सेव करनी है तो आप यहाँ से सेव पे क्लिक करके लोकेशन बताकर यहाँ पे फ़ाइल सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम टॉपिक्स इस चैप्टर में आपको मिलेंगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप आपको तमाम टॉपिक्स समझ आ गए होंगे। थैंक यू।